अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अय्युहल्लज़ीन आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीन आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही वनफ़ख़िही वनफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नहुम लहुमुल मंसूरून व इन्न जुंदना लहुमुल गालिबून। मैं अगर आप लोगों से एक सवाल करूं कि आप अपने दिल में पूछें कि ये उम्मत ज़िल्लत और रुसवाई का शिकार है या बुलंदी के रास्ते पे चल रही है, तो हम सब का यकजा एक ही जवाब होगा कि ये उम्मत ज़िल्लत का शिकार है, पस्ती की तरफ जा रही है। उरूज तो हमने देखा अब ढलवान है, अब नीचे जा रही है। और मैं आपसे एक और बात बोलूं कि अगर आप बहसियत उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने अपनी किताब पे या अपने मोबाइल नोट्स में 10 बड़े बड़े नुकात लिखें और पॉइंट्स लिखें कि क्या वजह है कि ये उम्मत ज़िल्लत और पस्ती का शिकार है, तो हम लोगों में से अक्सरियत मुख्तलिफ पॉइंट्स लिखेगी। उनमें से क्या होगा? हुक्मरान करप्ट हैं जी, अनएम्प्लॉयमेंट है, साजिशें हो रही हैं, यहूदी साजिश है, जुल्म और ज़्यादती है, लैक ऑफ रिसोर्सेज हैं, मौलवी ठीक नहीं हैं, इल्म को ठीक नहीं फैलाया जा रहा, क्या कुछ हम लोग लिख देंगे। मगर हम में से एक शख्स भी नहीं होगा जो ये लिखे कि ये मेरे जैसे लोगों की वजह से उम्मत ज़वाल और पस्ती का शिकार है, ये मुझ जैसे मुसलमान हैं जिसकी वजह से ये उम्मत अपनी ज़िल्लत की तरफ जा रही है। ओहद के मौका है, सहाबा जीत रहे हैं, कुछ सहाबा से अनइंटेंशनली गैर दानिस्ता तौर पे गलती हुई और वो पहाड़ी से उतर गए। खालिद इब्न वलीद जो गुरीला वॉरफेयर एक्सपर्ट हैं, उन्होंने देखा कि जो मेन पॉइंट था वो छोड़ दिया मुसलमानों ने, वो घूम के आए पीछे से और पीछे से हमला किया और उस पहाड़ी पे भी कब्ज़ा किया। जो कुफार भाग रहे थे वो वापस आ गए और मुसलमानों को बीच में सैंडविच कर दिया, दबा दिया और सहाबा ने नुकसान उठाया। अल्लाह के नबी साथ हैं तो वो सोच रहे थे कि जैसे बदर में हमारी मदद हुई, ओहद पे भी मदद होगी और हम कामयाब होंगे। लेकिन सहाबा ने हैरान होकर रसूलुल्लाह से पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुल्तुम अन्ना हाज़ा, या रसूलुल्लाह ये क्या है, ये क्या हो गया हमारे साथ। अल्लाह ने जवाब दिया, कुल हुआ मिन इंदि अनफुसिकुम, लोगों तुम्हारे अपने नफूस की वजह से है। अल खैरु कुल्लुहु बियदैक वल शर्रु लैसा इलैक, ये हमारा अकीदा है कि हर खैर अल्लाह की तरफ से आती है और हर शर हमारे अपने नफूस की तरफ से है। वमा असाबकुम मिन मुसीबा फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफू अन कसीर, जो भी मुसीबत तुम्हारे ऊपर आती है वो तुम्हारे अपने नफूस, अपने हाथों की वजह से है, वो तो पहले ही बहुत माफ़ कर चुका है। अगर हर गुनाह की वजह से हमें पकड़ लेता तो हम आज तबाह बर्बाद हो चुके होते। तो ये हमारे अपनी तरफ से है जो हम आज ज़िल्लत का शिकार हैं। मैं और आप लोगों को ब्लेम ना करें, हुक्मरानों को ब्लेम ना करें, मौलवियों को और उलमा को ब्लेम ना करें। अपने गिरबान में झांकें, मेरे इस 6 फुट के बदन पे कितना दीन नाफिज है, मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन क्या ये उम्मत कभी पहले भी इससे बुरी हालत में थी? आज जो हालात हैं उम्मत मुहम्मदिया पे, क्या पहले भी बुरे हालात थे? तो जवाब ये है कि बिल्कुल थे, बिल्कुल थे। लेकिन क्या हुआ? वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन्न अक्सर नास ला यालमून। अल्लाह गालिब है अपने हुक्म पे। अल्लाह ने जो इरादा किया वो करके रहेगा, चाहे लोग अकल रखें या ना रखें। 280 हिजरी में करामता आए और करामता ने मुसलमानों को बहुत नुकसान पहुंचाया और दुनिया का सबसे बड़ा फितना था। करामता का आज नाम भी किसी को याद है? नहीं याद। क्यों? वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन अक्सर नास ला यालमून। अल्लाह गालिब है अपने हुक्म पे। क्रूसेडर्स मिलियंस में आए थे, ईसाई मसीही मिलियंस में आए थे और बैतुल मुक़द्दस पे हमला किया। एक दिन में 70,000 मुसलमानों को कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। औरतों का रेप किया गया। उनके घुटने जो थे ना वो मुसलमानों के खून में डिप हो रहे थे। घुटनों तक घोड़ों का मुसलमानों का खून बह रहा था। बच्चों को उठा उठा के दीवारों से पटखा गया और मारा गया। मुसलमानों की खोपड़ियों में शराब को पिया गया, सूर खाया गया। 91 ईयर्स तक अजान की आवाज़ नहीं आए और चर्च की घंटियां बजती थीं। ये वो जगह है जो हमारा किबला अव्वल है। ये वो जगह है जिसके बारे में आता है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। ये वो मस्जिद अक़सा है। 91 ईयर्स तक अजान की आवाज़ नहीं आई, लेकिन क्या हुआ? वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन्न अक्सर नास ला यालमून। अल्लाह अपने हुक्म पे गालिब है। उसने एक बंदा खड़ा किया, 91 ईयर्स के बाद एक शख्स खड़ा हुआ। और याद रखें, दीन की नुसरत हमेशा एक इंसान ने की और साथ काफिला मिलता गया, लेकिन लीडर्स की ज़रूरत है। सलाहुद्दीन उसका नाम था। वो खड़े हुए और क्या किया? हमारी तरह कोई टायर जलाए, कोई खिड़कियाँ तोड़ी, कोई अपने मुसलमानों का कत्ल नहीं। खड़े हुए और अल-मुमिनु कैय्यिसुन फतिनुन, मोमिन दूरअंदेश और स्मार्ट होता है, स्ट्रेटजिस्ट होता है, वो दूर की सोचता है। 10 साल मेहनत की और 10,000 कुरान इंस्टीट्यूट्स खोले और 10 साल जब उनकी तरबियत की तो फिर 10 साल बाद 2 पहाड़ियों के बीच, दाबिक और आमा के बीच में खड़े हो गए और कहा, वाह दीना मुहम्मदा, वाह दीना मुहम्मदा, ओ मोहम्मद का दीन यतीम हो गया, कौन मदद करेगा आज इस दीन की। 2,30,000 मुजाहिदीन खड़े हुए। उन्होंने अटैक्स किए और हित्तीन की जंग को जीता और बैतुल मुक़द्दस को फतह करके हमें दे दिया। वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही। अल्लाह गालिब है अपने हुक्म पे। हम हैरान नहीं होते, आर वी नॉट अमेज्ड, कि अल्लाह ने कुफ़ार को इतनी ताकतें दे दी कि वो मुसलमानों पे हमले करें। कि हम हैरान नहीं होते कि मसाजिद को तोड़ा जाता है, वो यहूदी अपने जूतों के साथ मस्जिद अक्सा में घुसते हैं, मुसलमान औरतों का रेप किया जाता है कश्मीर और फ़लस्तीन में, कुरान को जलाया जाता है। क्या हम हैरान नहीं है कि अल्लाह ने कितनी ताकत और क़ुव्वत कुफ़ार को दे रखी है। कुल हुआ मिन इंदी अनफुसिकुम, ये हमारे अपने गलतियों और कोताहियों का नतीजा है। ये हमारे अपनी गलतियां हैं। इट इज़ टाइम फॉर ग्रेट मैन एंड वुमेन टू राइज। शर याद रखें इस दुनिया में इसलिए नहीं फैलता कि गुनाहगार और बुरे लोग बहुत ज़्यादा हैं। याद रखें इस बात को, शर इस दुनिया में ज़्यादा तब फैलता है जब अच्छे लोग, मुसलमान मर्द और औरतें खामोश बैठे रहें और कोई काम ना करें। जब मुसलमान खामोश बैठे रहते हैं ना तो फिर शर फैलता है। बुरी ताकतें हिज़्बो शैतान तो हमेशा से काम कर रहा था, लेकिन अब मसला ये हुआ है कि हमारे मर्द नहीं रहे। हमारे मर्द सिर्फ मेल ज़कर बन के रह गए हैं, रिजाल नहीं बने। कौमें गैरत से बनती हैं। सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह बैठे हुए हैं, 10 साल के हैं। शेख उनके मुस्नद अहमद की हदीस खोल के पढ़ रहे हैं, सतुफ्तहून कुस्तुन्तुनिया, तुम कुस्तुन्तुनिया को फ़तह करोगे। अल्लाह के नबी की सच्ची हदीस, फलनिअमल अमीर अमीरुहा वलनिअमल जैश ज़ालिकल जैश, क्या अमीर होगा तुम्हारा अमीर और क्या लश्कर होगा तुम्हारा लश्कर। 10 साल का लड़का इरादा करता है कि वो अमीर मैं होऊंगा और वो लश्कर मेरा होगा। ये रिजाल कैसे पैदा होते हैं। हमारा तो 10 साल का बच्चा अभी भी गुड्डू है, पप्पू है, बबलू है, इसको तंग ना करो, इसको सोने दो, फजर की नमाज पे थका हुआ होगा, छोटा सा बच्चा है। और वो सुल्तान मोहम्मद अल फ़ातिह ना सुल्तान थे ना फ़ातिह थे, सिर्फ मोहम्मद थे। ये इरादा इतना बड़ा कैसे किया। माँ कहती है कि मैंने अपने लाल को बचपन में दूध के साथ साथ मुसलमानों के खून के वाक़यात को भी पिलाया है। मैंने अपने बेटे को बचपन में साहिल समंदर पे ले जाती थी, इसको मैं दिखाती थी कि वो देख रहा है लाइटें, वो कुस्तुन्तुनिया की रोशनियां हैं। अल्लाह के नबी की सच्ची हदीस है कि एक लश्कर होगा जिसे फ़तह करेगा, बेटा वो तू होगा, वो तेरा लश्कर होगा। इरादा किया कि ये मैं हूँगा और वो इरादे हमारी तरह के थे। हम तो 50-50 मुसलमान हैं जी। हम तो दीन को ऐसे फेंकते हैं और छोड़ देते हैं कि हिसाब ही कोई नहीं। हम तो ऐसे मुसलमान हैं कि जी आज रात नाच गाना होगा इशा की नमाज के मुतसिल बाद। हम तो इस तरह के मुसलमान। वो इरादा किया कि मैं हूँगा वो शख्स, इसलिए नहीं कि मेरा बड़ा चर्चा और नाम हो, इसलिए कि अल्लाह के नबी की जन्नत की बशारत है। 9 साल प्लान किया, प्लॉट किया और प्लान किया, मेहनत करते रह गए दिन रात। 19 साल की उम्र में बादशाह बने, 3 साल में फ़ौज को तैयार किया और 21 साल का नौजवान कुस्तुन्तुनिया पे हमला करता है, उनकी ईंट से ईंट पर जाता है और अल्लाह की जन्नतों के वारिस बन गए। ये गाज़ी ये तेरे पुरस्रार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दुनीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया समट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। ये वो लोग थे। और हम लोग वल्लाही, हमें अल्लाह के नबी की अहादीस बताती हैं कि ये दीन दोबारा गालिब आके रहेगा। ये दीन इस कायनात में, इस दुनिया में, पूरे इस ग्लोब पे एक दीन होगा जिसका नाम इस्लाम होगा। बैतुल मुक़द्दस हमारा हेड क्वार्टर्स होगा। ये दीन गालिब आके रहेगा। सवाल यह है कि मैं और आप अपना क्या किरदार अदा करते हैं, मैं और आप क्या कर रहे हैं। अच्छे लोग खामोश होकर बैठ गए, चूड़ियाँ पहन के बैठ गए। हम कहते हैं कि हम जी अच्छा ये बड़ा काम नहीं कर सकते क्योंकि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे मौलवी हो गया, लोग क्या कहेंगे उसने हिजाब शुरू कर दिया। सब जब कॉन्सर्ट पे जा रहे होंगे तो हम कहेंगे चलो, तो ये कैसा कैसे ना करेंगे, इनकार कैसे करेंगे, लोग क्या कहेंगे। खुदा की कसम ये बुज़दिल लोगों की निशानी है कि जो लोग क्या कहेंगे के स्लोगन पे जीते हैं। दलेर लोग हमेशा अपनी ज़िंदगी की चॉइसेस और फ़ैसले ख़ुद करते हैं, और ख़ुद उनके फ़ैसले कहाँ से आते हैं, इस्लाम और इस दीन से आते हैं। हम लोग कहते हैं हम आशिक़ रसूल हैं, हम रसूल से जी मोहब्बत करते हैं। हम टायर जलाई, हमने खिड़कियाँ तोड़ी, हमने हलवे बांटे, हम एक महीने में पूरे पाकिस्तान का चिरागा तो करते हैं, बत्तियाँ और कुमकमें जलाते हैं और टायरों को आग लगा के और लोगों का कत्ल भी करते हैं और नारे मारते हैं। हम सच्चे आशिक़ रसूल हैं या मुहिब्ब रसूल हैं। इश्क का वर्ड तो इस्तेमाल करना भी ठीक नहीं है। इश्क में लस्ट पाया जाता है जो सिर्फ बीवी के लिए इस्तेमाल होता है। मुहिब या हुब, मोहब्बत का लफ्ज़ अल्लाह और उसके नबी के लिए। कभी माँ से हमने कहा है कि हम माँ से मुझे इश्क है, नहीं, इसमें लस्ट और डिज़ायर्स पाई जाती हैं। हम कहते हैं हम मुहिब रसूल हैं, लेकिन जब फजर की आवाज़ आती है अल्लाहु अकबर अस्सलातु खैरु मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है, हम कहते हैं जी आशिक़ रसूल सो रहे हैं, हमें आराम करने दें। हम झूठे हैं अपने दावे में। सहाबा ने कभी नारे नहीं मारे, याद रखें। सहाबा ने कभी बत्तियाँ नहीं जलाईं, सहाबा ने कभी हलवे नहीं बांटे, देगे नहीं उड़ाई, लोगों का मुसलमानों का कत्ल नहीं किया। उन्होंने सिर्फ ये कहा था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, बस। और फिर कैसी मोहब्बत करके दिखाई। अल्लाह के नबी खड़े हैं, बदर का मौका है, यहाँ पे 313 हैं, वहाँ 1000 हैं, कुछ तलवारें और कुछ ऊँट हैं और कुछ घोड़े हैं, वहाँ पे असलहा। कहते हैं अशीरू अलैया अय्यो नास, लोगों मशवरा दो क्या करना चाहिए। वो खड़े हुए जो हमेशा सबसे पहले खड़े होते हैं, रज़ियल्लाहु अन्का या अबा बकर, अबू बकर सिद्दीक़ खड़े हुए, या रसूलुल्लाह आप हुक्म दें, हम समेना वाताना करने वाले हैं, हम आपके पीछे चलेंगे। अल्लाह के नबी ने सुना, खुश होए, दोबारा पूछा अशीरू अलैया अय्यो नास, लोगों मशवरा दो। उमर बिन ख़त्ताब खड़े हुए, या रसूलुल्लाह आप कदम बढ़ाएँ, हम आपके साथ हैं। बेहतरीन बातें की। अल्लाह के नबी ने दोबारा पूछा अशीरू अलैया अय्यो नास, लोगों मशवरा दो, क्या कहते हो, क्या करना चाहिए। मिक़दाद खड़े हुए, या रसूलल्लाह हम आपसे वो नहीं कहेंगे जो मूसा की कौम ने मूसा से कहा था, इज़हब अंता व रब्बुका क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। मूसा किताल की हमें बात करता है, जहाद की बात करता है, तू और तेरा रब जाओ किताल करो, हम यहाँ बैठे हैं। या रसूलल्लाह हम कहेंगे इज़हब अंता व रब्बुका क़ातिला, आप और आपका रब जाएँ किताल करें, हमें अपने पीछे पाएंगे। अल्लाह के नबी ने दोबारा पूछा अशीरू अलैया अय्युहन नास, लोगों क्या मशवरा देते हो। बार बार क्यों पूछ रहे हैं। अबू बकर बोल पड़े, उमर बोल पड़े, मिक़दाद बोल पड़े, क्या वजह होगी। अबू बकर भी मुहाजिर हैं, उमर भी मुहाजिर हैं, मिक़दाद भी मुहाजिर है, अंसार में से अभी तक कोई नहीं बोला। सआद बिन मुआज़ खड़े हुए, या रसूलुल्लाह, अंसार के सरदार, या रसूलुल्लाह हम आपके साथ हैं, मगर मालूम ऐसे होता है कि आप हमसे भी कुछ सुनना चाह रहे हैं, हमारा जीना मरना आपके साथ है। फ़िदा का आबाइना व उम्महातिना, या रसूलल्लाह हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान जाएँ, लेकिन चूँकि आप हमसे कुछ सुनना चाहते हैं तो फिर सुनिए, हमें इजाज़त दीजिए बोलने की। या रसूलल्लाह हमारे माल में से जितना लेना है ले लें, जितना छोड़ना है छोड़ दें, जिससे ताल्लुक़ कायम करने हैं कर लें, जिससे ताल्लुक़ तोड़ना है तोड़ दें। आप बर्क गमदान भी जाएँगे जो कि 1000 किलोमीटर दूर है मदीना से, हमें अपने साथ पाएंगे। आप समंदर में भी छलांग मारेंगे, हम आपके पीछे छलांग मारेंगे। दश्तो दश्त दरिया भी ना छोड़े हमने, बहर ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हम तो ये थे, मगर हम आज अल्लाह के नबी की मोहब्बत के लिए, अल्लाह से ताल्लुक़ के लिए, हमसे एक माशूका की मोहब्बत छोड़ी नहीं जाती। सहाबा के लिए ये दीन सर का ताज था और दुनिया उनके हाथों में थी। जब भी सर का ताज गिरने लगता या टेढ़ा होता तो दुनिया को फेंकते और अपने सर के ताज को संभाल लेते। हमारा दुनिया सर का ताज है और दीन हमारे हाथों में है। जब भी दुनिया गिरने लगती है हम दीन को फेंक देते हैं कि तूने नहीं जाना, 2-4 हज़ार रुपए 2-4 लाख तूने नहीं जाना, तुझे हमें हम सब संभाल के रखते हैं और अपने दीन को बेच देते हैं। कितने लोग मैं जानता हूँ जिन्होंने अपने दीन को ऐसे बेचा, एक नेशनैलिटी के लिए, कुछ हज़ारों के लिए। हम कहते हैं हम मदीना में उठाए जाते, हम दौर नबी में उठाए जाते तो हम कुर्बानियाँ देते, हम सीने पे नेज़े खाते, हम दावे करते हैं कि हम हाथों पे तीरों को रोकते, हम अल्लाह के नबी का दिफा करते, उन्हें क्या खिदमत करते। उस दौर में अनस बिन नज़र ने भी कहा जब उनसे बदर मिस हो गई, बदर वॉज अ एम्बुश अटैक, इट वॉज नॉट अ प्लान अटैक, वो प्लानिंग नहीं थी, एक एम्बुश था, हमला था, उनसे मिस हो गई, वो सर पकड़ के बैठ गए, या अल्लाह हाउ कुड आई मिस बदर, मुझसे बदर कैसे मिस हो गई, मुझे एक और मौका दे अपनी मोहब्बत को सच्चा साबित करने का, एक और मौका दे रसूलुल्लाह की मोहब्बत को सच्चा साबित करने का, काश मुझे एक और मौका मिले। जैसे हम कहते हैं अल्लाह ने कहा लो ओहद लो, अब बताओ सच्चे थे या झूठे थे। अनस बिन नज़र तैयार हैं, खड़े हैं, जब कुफार पे हमला हुआ तो शेर की तरह लपके उनकी लाशें गिरा रहे हैं, लेकिन जब मुश्किल वक्त आया, जब मुसलमानों की लाशें गिरने शुरू हो गईं तो हमज़ा भी गिरे, मुसअब बिन उमैर वो भी गिरे, शहीद हो गए। अफवाह उड़ गई कि मुसअब बिन उमैर जब वफ़ात पाई कि अल्लाह के नबी चले गए इस दुनिया से, अल्लाह के नबी शहीद हो गए। तो सहाबा को जब पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं, अफवाह उड़ी तो मायूस होकर बैठ गए। अनस बिन नज़र अभी भी किताल कर रहे हैं और गुजरते हुए देखा उमर बिन ख़त्ताब, उमर इब्न ख़त्ताब दलेर, ये वो शख्स है जिसकी वजह से अल्लाह ने इस्लाम को इज़्ज़त दी। उमर बिन ख़त्ताब के इस्लाम के बाद आज तक इस्लाम कभी जलील नहीं हुआ, ये वो मर्द थे उमर बिन ख़त्ताब के बारे में इसका इनके बाप कहते हैं कि उमर तुझे तो ऊँट चराने नहीं आते, जब मुसलमान बने तो अल्लाह की ने कहा मा काना नबिया मिन बादी ला काना उमर, मेरे बाद कोई नबी होता तो वह उमर होता। ये उमर बिन ख़त्ताब बैठ के ज़मीन पे तलवार न्याम में डाल ली कि आप अल्लाह के नबी चले गए। अनस बिन नज़र जो वादों में सच्चे थे, झूठे नहीं थे हमारी तरह, उमर नीचे क्यों बैठे हो? अनस तुम्हें पता नहीं चला अल्लाह के नबी दुनिया से चले गए। क्या कहते हैं, मोहब्बत वो होती है जो सरचढ़ बोलती है। फमा तुरीदु बिल हयात बअदहु या उमर, उमर तुझे ज़िंदगी से चाहिए तो क्या चाहिए अल्लाह के नबी के जाने के बाद? उठ खड़ा हो, हम भी लड़ें, किताल करें और अल्लाह के नबी से जाके जन्नतों में मिलें। उमर मुझे उहुद के पार से जन्नत की खुशबू आ रही है, और लड़ते लड़ते शहीद हो गए, अल्लाह की जन्नतों के मालिक बन गए। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, हमने किधर वफ़ा की? मर्द तो मर्द, ख़वातीन भी उनसे आगे। मुझे पता चला कि ख़वातीन भी यहाँ बैठी हैं, ख़वातीन भी उनसे आगे। कैसी मोहब्बत थी। उहुद का मौका था, अपने भाई को भेजा, बाप को भेजा, शोहर को भेजा, वो भी पहले तैयार थे। जब वो गए, अब वापस आ रहे हैं ओहद से, घर से बाहर निकली हिजाब करके, हाँ जी वेलकम करने, देखने कि कौन बचा कौन ना बचा, ढूंढने आ रही हैं। किसको ढूंढ रही हैं, बाप को, भाई को या शोहर को? पूछती हैं मा फ़अल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी कैसे हैं। मोहब्बत वो होती है जो फिर कैलकुलेशंस नहीं चलती, बाप जिंदा बचा या नहीं बचा। मोहब्बत तो वो है और मोमिन तो वो है जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने कहा था ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नास अजमाइन। मोमिन वो है जिसको मैं रसूलुल्लाह अपने बाप से ज़्यादा और औलाद से ज़्यादा और तमाम इंसानों से ज़्यादा महबूब हूँ। कहती मा फ़अल रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी कैसे हैं। साहबा आए, उन्होंने बताया कि हमने तुम्हारे भाई को गिरते हुए देखा, वो शहीद हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहती है मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तुमने। मा फ़अल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी कैसे हैं। एक और सहाबी है, कहते हैं तेरा बाप भी शहीद हो गया। कहते जो मैं पूछती हूँ मुझे वो बताओ। मा फ़अल रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी कैसे हैं। एक और आया, कहते हैं तुम्हारा शौहर भी शहीद हो गया। बाप, भाई, शौहर, एक औरत का एक दिन में। आज के बाद इसके बच्चे यतीम और ये बेवा कहलाई जाएगी। यू हैव नो हस्बैंड टू गो होम विद, घर पे शौहर ही नहीं। कहती है मा फ़अल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी कैसे हैं, मुझे उनका बताओ, बस कुछ ना बताओ। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। उनने कहा ठीक है, वो चल के आ रहे हैं, ज़िंदा है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे यकीन नहीं आएगा जब तक मैं उनको देख ना लूँ। गई, अपनी आंखों से रसूलुल्लाह को देखा, अपने दिल को ठंडा किया और कुछ अपनी ज़बान से अल्फाज खामोशी से अदा किए। और जो साथ खड़े थे कहते मैंने सुन लिया वो क्या कह रही थी, और हदीस में लिख दिया गया। कह रही थी कुल्लु मुसीबत इबादक चल या रसूलुल्लाह, हर मुसीबत आपके बाद छोटी है या रसूलुल्लाह, आप ठीक हैं तो फिर सब ठीक है, आप सही हैं तो सब ठीक है। जब याद आया ना कि भाई, बाप भी गया, भाई भी गया, शौहर भी गया, पीछे कौन है संभालने वाला, किस तरह गुजरेगी ज़िंदगी। जब आप ठीक हैं तो फिर हर चीज़ ठीक है। हमसे तो कुर्बानियाँ दी नहीं जाती, हमसे तो झूठ के बगैर कारोबार नहीं होता, हमसे सूदी जॉब छोड़ी नहीं जाती, हमसे आंखों का जिना छोड़ा नहीं जाता। हम कैसी मोहब्बत करते हैं। एक शख्स था जो कहता था कि सहाबा ने क्या मदद की, मैं अल्लाह के नबी की खिदमत ऐसी करता कि लोग देखते और अल्लाह के नबी के कदमों को मैं ज़मीन पे लगने ना देता, उनको कंधों पे उठा के रहता। बड़ी बड़ी बातें कर रहा था साहबा के बारे में। अल्लाह ने उसको ख्वाब दिखाया, और रात ख्वाब कहता है मैंने देखा मैं गाड़ी चला रहा हूँ और एक पहाड़ी की तरफ चढ़ाई है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ बैठे हैं और सहाबा पीछे बैठे हैं। कहते हम जा, मैंने ख्वाब में देखा कि मेरी गाड़ी की ब्रेक्स फेल हो गई, इंजन सीज़ हो गया और वो गाड़ी रुकने की बजाय पीछे आना शुरू हो गई। कहते मुझे अपने खौफ से ज़्यादा रसूलुल्लाह का खौफ था कि आपको कुछ ना हो जाए। कहते मैं गाड़ी से उतरा के पत्थर को उठाऊं और कि बड़ा पत्थर ढूंढूं और टायर के नीचे रखूं। कहते मैं ढूंढता ढूंढता मुझे पत्थर मिला, जल्दी से उठा के आ रहा हूं, गाड़ी के नीचे रखूं और जब गाड़ी के पास पहुंचा तो देखा साहबा अपने सर रख के लेटे हुए हैं। कहते मुझे एहसास हो गया कि उन जैसी मोहब्बत हम कर नहीं सकते। हम कैसी मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमें लोग क्या कहेंगे कि ज़्यादा परवाह है। लोग क्या कहेंगे, शादी हो रही है, नाच गाना नहीं कर रहे। देखिए ना जी, दिन और दुनिया को साथ लेके चलने पड़ता है ना जी। इसका मतलब क्या होता है कि जी थोड़ा सा हराम भी करने दें, थोड़ा नेकियां भी करने दें, हम हज भी करेंगे, हम उम्रे भी करेंगे, लेकिन साथ नाच गाना भी करेंगे। देखिए ना जी, शादी तो एक दफ़ा आई है ना जी, इतने सख्त ना बने ना, खुशी का मौका है। अल्लाह के बंदो, ज़िंदगी में एक ही दफ़ा मौका आया था अल्लाह ने तुझे आजमाने का, वो शादी का मौका था, उसी में फ़ेल होके रह गए, उसी में नाकाम हो गए। ज़िंदगी में इंसान खुशी के मौके पे और दुख के मौके पे टेस्ट किया जाता है, ये दो मौके हैं, हम उसी में फ़ेल हो जाते हैं। और हम सच्चे मुहिब रसूल हैं। कैसी मोहब्बत है हमारी, झूठे हैं हम अपने। मैं अगर अपने बाप से रोज़ाना कहूँ, सुबह दोपहर शाम 3 दफ़ा, अब्बा जी आई लव यू, अब्बा जी यू आर द बेस्ट डैड इन द वर्ल्ड, आपसे बेहतर बाप कोई नहीं है इस दुनिया में, आपसे बहुत मोहब्बत है मुझे। अब्बा जी जब भी आज घर आते हैं कहते हैं बेटा वो गाड़ी का टायर पंचर है ज़रा लगवा के आओ। मैं कहता हूँ अब्बा जी आई लव यू सो मच, मगर मैं भी मसरूफ़ हूँ। अब्बा जी कहते हैं अगले दिन बेटा नाश्ता ख़त्म है, ज़रा बाज़ार से केले और दही और कॉर्नफ्लेक्स या कुछ चीज़ें लेके आओ। अब्बा जी आप खुद कर लेना, मैं ज़रा आराम कर रहा हूँ। ये सच्ची मोहब्बत है या झूठी मोहब्बत है? झूठी मोहब्बत है। हम झूठे हैं अपनी मोहब्बत में, लेकिन अभी भी उम्मीद है इंशाअल्लाह। पाकिस्तान कलमे की बेसिस पे बना है। मुझे पाकिस्तान से इसलिए मोहब्बत नहीं है कि ये मेरा मुल्क है, मेरी मिट्टी है, मैं यहाँ पैदा हुआ, मेरे माँ बाप यहाँ पे, हमारी ज़मीनें यहाँ पे, हमारा कारोबार यहाँ पे। नहीं 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 नहीं, मुझे पाकिस्तान से सिर्फ़ इसलिए मोहब्बत है कि मदीना तो पाक के बाद सबसे पहला ये मुल्क है जो ला इलाहा इल्लल्लाह की बेसिस पे बना है। इस दुनिया में 2 ही मुमालिक हैं जो एक आइडियोलॉजी की बेसिस पे, एक नज़रिए की बेस पे बने हैं, एक इज़राइल है और एक पाकिस्तान है। एक फ़ना होकर आएगा और एक को बका होगी, पाकिस्तान को बका होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ने हमारे मुल्क को एटमी पावर बनाया। और मैंने जब उनसे पूछा, डिटेल स्टोरी है, मैं उनके पास गया हुआ था एक लेक्चर के लिए, तो उन्होंने कहा तो हाँ भी मुआवजा था, उसके अलावा कुछ नहीं था। अमेरिका ने एटॉमिक वेपन एक फेंका अफगानिस्तान पर, वो फटा ही नहीं। हमारी एजेंसीज़ ने उसको रिट्रीव किया, उस पर ट्राई एंड टेस्ट किया, और अल्लाह ने हमें तुक्के के दौर पे एटॉमिक पावर बना दिया। और याद रखें, पाकिस्तान के मुसलमान एक गैरतमंद कौम है। कौमें रोडों से और बिजलियों से और बिल्डिंगों से नहीं बनती, हॉस्पिटल से नहीं बनती, कौमें बनती हैं गैरत से। गैरत से बनती हैं। अगर गैरत ना हो तो दर्जनों ममालिक का अलायंस भी कुछ नहीं कर सकता, और अगर गैरत हो तो 313 भी गालिब आ जाते हैं। गैरत बड़ी कमाल की चीज़ होती है। हम ये जो 2 रोटियां मांग के लेते हैं ना, भीख मांगते हैं IMF से, जिस दिन हम इनको मुस्तरद करेंगे, इनको ठोकर मारेंगे, इनकार करेंगे और हक हलाल की एक रोटी खाने पे गुजारा करेंगे, उस दिन फ़लस्तीन आज़ाद हो जाएगा इंशाअल्लाह, उस दिन कश्मीर आज़ाद हो जाएगा इंशाअल्लाह। गोल्डा मेयर जो इसराइल की 4th फीमेल प्रेसिडेंट थी, औरत, उसने गल्फ़ वॉर में मुसलमानों की धज्जियाँ उड़ाईं, मारा मुसलमानों को, एटॉमिक वेपन्स ख़रीदे, पावर ली। न्यूयॉर्क टाइम्स एक बहुत बड़ा इदारा, उसका इंटरव्यूअर आया और कहता है कि आप औरत होते हुए आपने असासे बेचे और आपने वेपन्स ख़रीदे, खुजू हिजराकुम दी, तो हमारा हुक्म था तकड़े वो जो, लेकिन आपने गल्फ़ वॉर में इनको तबाह कर दिया, कैसे किया? कहती है मैं कंपेरेटिव रिलीजन की स्टूडेंट हूँ, मैं मुख्तलिफ अध्यान को पढ़ती हूँ, मैंने ये जो इनको मारा है ना ये इनके नबी से सीखा है। कहती है कहते हैं कि इनके नबी से सीख के इनको मारा, ये कैसे? कहती है इनके नबी के आखिरी अयाम थे, भूख और प्यास का आलम था, बीमारी का यह आलम था कि जिस्म काँप रहा था और शदीद बुखार से हीट निकल रही थी, खाने को कुछ नहीं था। और वो आलम था कि इनकी बीवी आयशा पड़ोसी के पास जाती हैं, कुछ चीज़ें गिरवी रखवा के दिया जला लेती हैं, दिया जलाने को नहीं था, तार पे 9 तलवारें लटकी हुई थीं। कहती मुझे यकीन हो गया कि मुसलमान फाका तो बर्दाश्त कर सकता है, भूख प्यास तो बर्दाश्त कर सकता है, मगर अपनी गैरत पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। और हमने अपनी गैरतों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। बाप को हया नहीं आती कि बेटी दुपट्टा उठा के बाज़ार में जा रही है, वो खुश फील कर रहा है। शौहर दयूस हो गए। औरतों ने आयशा और फ़ातिमा और खदीजतुल कुबरा को छोड़ के लेडी गागा को और यू नो गंदी ख़वातीन को जो वेस्ट की मॉडल्स हैं उनको अपना रोल मॉडल बना लिया। लेकिन खुशखबरी की बात क्या है कि उम्मत का जो ग्राफ है ना वो भी नीचे जा रहा है और मज़ीद मार खाएंगे हम, मज़ीद नीचे जाएगा और फिर ये उठेगा और ऐसा उठेगा कि अपनी पिनिकल्स और अपनी पीक देखेगा। अल्लाह के नबी की बशारतें हैं, तुग़ज़ून जज़ीरतुल अरब फ़यफ़तहुहा अल्लाह, तुग़ज़ून रोमिया फ़यफ़तहुहा अल्लाह, तुग़ज़ून फ़ारिस फ़यफ़तहुहा अल्लाह, तुग़ज़ून कुस्तुनतुनिया फ़यफ़तहुहा अल्लाह। तुम अटैक करोगे अरबिक पेनिनसुला पे, अल्लाह खोल देगा तुम्हारे लिए। तुम रोम पे अटैक करोगे, अल्लाह खोलेगा तुम्हारे लिए। तुम पर्शिया पे अटैक करोगे, अल्लाह खोलेगा। तुम कॉन्स्टेंटिनोपल पे दोबारा अटैक करोगे, अल्लाह खोलेगा तुम्हारे लिए। अल्लाह के नबी ने कहा उबश्शिरुकुम बिल महदी, मैं तुम्हें बशारत देता हूँ एक ऐसे इंसान की जिसका नाम मेरे नाम पे है, जिसके बाप का नाम मेरे बाप के नाम पे है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल महदी होगा। वो आएगा और मुसलमानों को लीड करेगा, वो दौर आएगा। अल्लाह के नबी ने कहा तूबा लिआइशिन बादल मसीह, खुशखबरी हो, क्या ज़िंदगी होगी मसीह के बाद। पूरे दुनिया में दीन का बोलबाला होगा, ये चेंज आ के रहेगा, इस पूरी दुनिया में मुसलमान गालिब हो के रहेंगे। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह को किसी और दीन को फॉलो करने के लिए नहीं भेजा, बल्कि कहा हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली वलौ करिहल मुशरिकून। मैंने जिस नबी को भेजा ना, इसका दीन पूरी दुनिया पे गालिब होकर रहेगा। अल्लाह का वादा है इन्नहुम लहुमुल मंसूरून व इन्ना जुंदना लहुमुल गालिबून। तुम लोग कामयाब हो गए और हमारा लश्कर गालिब आके रहेगा। सवाल ये है कि मैं और आप अपना क्या किरदार अदा करते हैं। ये जो चेंज का ट्रेन है ना, ये चल पड़ी है। जब एक ट्रेन चलती है तो क्या होता है, कुछ लोग उसमें सवार होते हैं, कुछ दूर खड़े होकर हाथ हिला रहे होते हैं, कुछ चाहते हैं कि रोक दें। ये चेंज है ना, ये इस्लाम फैल के रहेगा, ये ट्रेन रुकने वाली नहीं है। अबू लहब अबू जहल ने बड़ी कोशिशें की, क्या तब्दीली रुकी? ना रुक सकी। तो हमारे पास दो ऑप्शन हैं। उम्मीद है जिस मस्जिद में लोग बैठे हैं वो रोकने वाले तो नहीं हैं, रोकने वाले बड़ा काम कर रहे हैं। ये लिबरल्स और सेकुलर और फेमिनिस्ट और LGBTQ सपोर्टर्स ये पाकिस्तान में बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन ये चेंज आ के रहेगा, हमारे सच्चे नबी की बशारत मौजूद है। अब दो तरह के लोग हम में मौजूद हैं, एक वो हैं जो दूर से खड़े होकर हाथ हिलाते हैं कि माशाल्लाह जी आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, बारकल्लाहु फीकुम, अच्छा काम कर रहे हैं। मगर हम ट्रेन पर सवार नहीं होंगे, आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, पहुँचें। और कुछ लोग जो ट्रेन पे चढ़ जाते हैं और इस तब्दीली का हिस्सा बनते हैं। यही लोग हैं जो डेस्टिनेशन तक, मंजिल तक पहुंच कर रहेंगे। जो खड़ा होता है वो नहीं पहुंच कर रह सकता। अब हम, सवाल मुझसे और आपसे यह है कि हम क्या किरदार अदा करते हैं इस उम्मत के लिए, हम क्या फ़ौज तैयार करते हैं इस उम्मत के लिए जो कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल महदी का साथ देगी, जो कि दीन के गलबे में काम करेगी। शायद हम उस राह की खाक ही बन जाएं जिस पे इमाम मेहदी का लश्कर चल के जाएगा। और ये असल कामयाबी की ज़िंदगी, ये असल ज़िंदगी। अपनी ज़िंदगी को तब्दील करें और तौबा करें गुनाहों से। और आज वल्लाही ये इरादा करके उठें कि या रब आज के बाद गुनाह छोड़ देंगे इंशाअल्लाह, आज के बाद एक नई ज़िंदगी की शुरुआत है इंशाअल्लाह, आज के बाद सुन्नत रसूल को अपनाएँगे, अल्लाह के नबी के दीन को सीखेंगे, कुरान रोज़ाना पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कौन इरादा करता है कुरान रोज़ाना पढ़ेगा इंशाअल्लाह? हाथ खड़ा करके बताएं इंशाअल्लाह। ये आपका मुझसे वादा नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन से वादा है। मैं तो आपसे पूछूंगा भी ना, मिलूंगा मैं आपको। ये अल्लाह से वादा किया आपने, आप दीन को ओन करें और अपनाएं। और इस लफ्ज़ को सुनने के लिए दीन अपनी ज़िंदगी गुजार दें कि हशर का मैदान होगा, रसूलुल्लाह से हौज़ कौसर पर मुलाकात होगी और आप मुझे देख के सलाम करेंगे और आप मुस्कुराएंगे और मुझे अपने सीने से लगाएंगे और कहेंगे तूने दीन की खिदमत करके आया है तू। अल्लाह ये हमें सुनना नसीब करें और अल्लाह ये हमें ताकत और क़ुव्वत दे कि हम रसूलुल्लाह के दीन को सपोर्ट करें। इल्म आज से सीखें, उलमा की महफ़िलों में बैठें और अपनी ज़िंदगी को बदलें। हम जब इस दुनिया में आए थे तो छोटे बच्चे थे और रो रहे थे, चीख और चिल्ला रहे थे। लोग, माँ बाप खुश हो रहे थे कि अल्लाह ने बेटा अता किया, बेटी अता की। वल्लाही ज़िंदगी ऐसी गुजारें कि जब इस दुनिया से हम जा रहे हों तो हम हंस रहे हों और ख़ुश हो रहे हों, लोग रो रहे हों कि काश इस इंसान को मज़ीद कुछ दिन मिल जाते। ये दुनिया बेहतर जगह होती। और आप कह रहे हो या अल्लाह मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, आई गिव इट माई बेस्ट शॉट, मैंने जो कर सका मैंने किया है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़ास्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।